दिस इज द लेटर नंबर 5, लेटर टू आर नेशनल डेली न्यूज़पेपर अबाउट द नेगलेक्ट ऑफ प्राइसलेस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन यूएन अराउंड सिटी। जो आपके सिटी में प्राइसलेस यानी जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं हिस्टोरिकल, जैसे दिल्ली है उसमें लाल किला बना हुआ है, जंतर मंतर वगैरह बने हुए हैं, ये सब चीजें जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, कुतुब मीनार वगैरह, तो लेटर लिखने वाला है मोहित त्यागी, B12 आदर्श कॉलोनी न्यू दिल्ली 110031, ये उसका एड्रेस है। डेट जिस भी डेट आप लिखोगे, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। सर कंडीशन बता रहा है वो सब्जेक्ट में, पुअर कंडीशन ऑफ हिस्टोरिकल मोमेंट, यानी जो भी हिस्टोरिकल मोमेंट्स है ना उनकी पुअर कंडीशन हो चुकी है। क्यों हो चुकी है उसके लिए बताते हैं। आई बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ फ्री इंडिया, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इंडिया का, कंसिडर इट माई ड्यूटी टू अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन थ्रू द स्टीम्ड कॉल ऑफ योर प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर। आपके न्यूज़पेपर की मदद से मैं अटेंशन जो है लोगों की वो इस और लाना चाहता हूँ। टू द नेगलेक्टफुल एंड माइजरेबल कंडीशन ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विच आर सिंबल ऑफ अवर पास्ट ग्लोरी ग्रैंडियर एंड आवर नेशनल हेरिटेज, जो कि हमारे इतिहास का एक बहुत कीमती मतलब पहलू है। उसी की वजह से पता चलता है ना कि दिल्ली में या इंडिया में कौन कौन सी ऐतिहासिक चीजें हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ बनी है, कौन सी चीजें किसने बनाई है, तो ये सारी चीजें जो है लोग क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। दे आर प्राइसलेस, इनकी कोई कीमत नहीं है, रिकॉर्ड्स ऑफ आवर हिस्ट्री, बट हैव फॉलन विक्टिम टू द क्रिमिनल नेगलेक्ट बाय द ऑफिशियल्स। बट लोग जो है ना इसकी सेवा नहीं कर रहे, सेवा इन द सेंस लोग इसका ध्यान नहीं रखते, ठीक है, लोग जाके वहां पर अपना नाम लिख देते हैं कि जैसे लेट से किसी ने नाम लिख दिया दीप्ति, फिर ऐसे तीर सा बना दिया उन्होंने दिल बना के और उसमें नाम लिख दिया आगे राकेश, ठीक है, इस तरीके से। आई हैड ऑल्सो बॉट इट टू द नोटिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उन्होंने ये बोला कि ये बात मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो इन चीजों का ध्यान रखती है उनको ही बताई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स, उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी मेरी। दिस केयरलेस इंडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न्ड हैज कंपेल्ड मी टू अप्रोच थ्रू योर लेटर, ठीक है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे ये लेटर लिख रहा हूँ ताकि आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश हो और लोगों तक ये बात पहुंचे। जब लोगों तक बात पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली कंसर्न्ड अथॉरिटी जो भी इसका ध्यान रखती है वो इसके बारे में देखेंगे। सर इफ यू पर्सनली विजिट सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स लाइक हुमायूं टॉम्ब, तुगलक किला, कुतुब मीनार, लाल किला एक्सेट्रा, यू विल रियलाइज दैट दे आर लूजिंग देयर शेप एंड गेटिंग डाइप्रेडेटेड डे बाय डे, ठीक है ना, दिन बाय दिन क्या हो रहा है, वो अपनी जैसी पहली वाली शेप थी ना, तो उनकी वो शेप खराब हो रही क्योंकि उनकी वो नहीं हो रही, मेंटेनेंस नहीं करते। दूसरा जो लोग देखने आते हैं ना वो लोग इतना इल लेवल पर ट्रीट करते हैं उन चीजों को, कहीं कुछ तोड़ दिया, कहीं से कुछ हिला दिया, या कहीं निशान छाप दिए, या पत्थरों से उस पर कुछ गाड़ के लिख दिया। ऐसे मैंने देखा था जब पर्सनली मैं गया था, तो ऐसा था कि लोग क्या करते थे वहां पे, ऐसे दिल बनाया उन्होंने, उसमें से तीर बनाया, उस पर उन्होंने नाम लिख दिया, तो आप मॉन्यूमेंट्स खराब कर रहे हो, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स का लोग तो पेड़ों पर भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है, एक गांव है जयपुर में जहां पर ज्यादातर ऐसा होता है, जयपुर में लोग गांव में ऐसे लिखते हैं, तो ठीक है। देयर ब्रिक्स एंड स्टोन पीसेज आर लूजिंग प्लास्टर इन द टॉप कॉर्नर ऑफ द वॉल हैव ऑलरेडी क्रम्बल्ड, और जो कोने हैं ना उन दीवारों के वो तो ज्यादातर झड़ चुके हैं यानी टूट चुके हैं लोगों की वजह से। All is due to the lack of proper maintenance. एक तो लोग maintenance नहीं करते जो authority है। We must realize that even the present will be the past one day. आज की चीज ही कल जाके इतिहास बनेगी, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो जो चीजों की maintenance पहले से जो buildings available है अगर हम उनकी maintenance नहीं कर रहे तो जो आज हमारे पास buildings है हम उनकी भी maintenance नहीं करेंगे। I was shocked to seeing that destroying condition of the monuments. I request you to oblige me by publishing this letter in your paper so that the authorities are concerned are awakened in time. So, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं इसको सही करने के लिए उन लोगों तक ये बात पहुंचे, वो लोग जाएं और उसको वापस से सही करें, जो जो उसमें कमियां हैं उसको वापस से रीडिफाइन कर दें। Yours truly XYZ, क्योंकि इसमें नाम ऊपर ही दे दिया था इसलिए उन्होंने नीचे XYZ लिख दिया। थैंक यू।